बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के फैसले की। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि कोरोना से सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए अब तमाम बाजार 7 बजे से बंद रखे जाएंगे, साथ ही स्कूल, कॉलेज और पार्क भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है और मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दिया गया है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनाता हूं आपको। लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए तो कोरोना को लेकर गाइडलाइन बिहार में भी जारी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ कहा गया सीएम नीतीश कुमार की तरफ से? जी, आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार जो है वो अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग नीतीश कुमार ने की और उसके बाद जो है वो प्रेस को ब्रीफिंग किया। और नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से बिहार में जो है वो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, खास करके जो बाहर से लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में, महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज कहा कि जो बाहर से मरीज जो लोग आ रहे हैं बिहार के जो हैं, जो लोग बाहर में रहते हैं वो जो वापस आ रहे हैं, खास करके जो महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी जो है वो रेलवे स्टेशन पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ अगर में से जो पॉजिटिव केस अगर कोई पाया जाता है तो उसके इलाज और रहने की व्यवस्था जो है वो सब बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि आज बिहार में कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगाई गई है। आपको बता दें कि बिहार में जो है सरकारी और गैर सरकारी सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान जो है वो 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो दुकानें हैं, सब्जी मंडी की, किराना दुकानें हैं और भी जिस सभी तरह की दुकानें हैं वो शाम के 7 बजे तक ही अब खुले रहेंगे। ये गाइडलाइन जो है वो 30 अप्रैल तक के लिए सरकार ने अभी लागू किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों में वो फिर एक समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद जो निर्णय लेंगे कि बिहार में जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर किस तरह का जो शक्ति बरती जाए। खास करके आपको बता दें कि स्कूल को लेकर जो है वो अब स्कूल जो है बिहार में 18 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो परीक्षा जो पहले से पूर्व निर्धारित है जो होने वाली है वो परीक्षा होगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान है जो है वो बंद रहेंगे। साथ में जो सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें जो है 35% लोग ही उपस्थिति उनकी होगी। और साथ ही साथ जो प्राइवेट कार्यालय हैं उसमें जो है 33% लोगों की उपस्थिति ही अब निर्धारित की गई है। और जो सार्वजनिक स्थलों पे हैं जैसे पार्क वगैरह में जो है वो सख्ती से लॉक जो है वो सैनिटाइजर। और उस सबको 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। और श्राद्ध में 50% पर माफी लेगा, श्राद्ध में जो है 50% लोगों की उपस्थिति होगी और शादी ब्याह की स्थिति में 200 लोग जो होंगे उतने लोगों की ही उपस्थिति जो है अब सरकार की तरफ से लागू कर दी गई है। तो कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे 1 हफ्ते तक और मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ सख्त ताकीद की गई है और बाजारों को भी 7 बजे से पहले ही बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में भी अब कोरोना को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि नई गाइडलाइन और नीतीश सरकार कोरोना पे काबू पाने में कहां तक कामयाब रहती है।